जमुई के दादपुर के पास एक बुजुर्ग पर मिक्सर मशीन अचानक पलट गई, जिसके कारण घटनास्थल पर ही पूर्वी चंपारण निवासी 65 वर्षीय शाहबजान मियां की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद एसएचओ दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जेसीबी के जरिए मिक्सर मशीन को उठाने की कोशिश की, जिसके बाद शव को किसी तरह बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद मिक्सर चालक मौके से फरार हो गया है। तो मिक्सर मशीन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि जो लापरवाही है कहीं ना कहीं ये देखी गई, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कैसे इस मिक्सर मशीन में फंसकर बुजुर्ग की मौत हो, क्योंकि मिक्सर मशीन का जो चालक है वो फरार हो गया। हालांकि इस घटना में हताहत जो हुआ है उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और किसी तरह उस बुजुर्ग को मिक्सर मशीन से हटाया गया और उस शव को बाहर निकाला गया। आपको ये बता दी चले कि बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों में जो कोहराम है वो मचा हुआ है। शोकाकल जो परिवार है वो हैं, और इसी के साथ साथ मिक्सर मशीन की चपेट में आने से जो वृद्ध हैं उनकी मौत हो गई है। जमुई के दादपुर के पास के ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बुजुर्ग पर मिक्सर मशीन अचानक पलट गई और जिसके कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, कैसे हुई ये घटना? जी देखिए, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो है अनियंत्रित होकर वाहनों वाहन जो है लगातार जो आदमी वाहन चालक होते हैं वो कभी नशे की हालत में धुर्त होकर कभी किसी व्यक्ति को चपेट में ले लेता है। ऐसा ही कुछ घटना कल झाझा प्रखंड के जमुई जिले के झाझा प्रखंड के दादपुर में देखने को मिला है, जहां पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। हालांकि कल के डेट में ये कार्य जो है स्थगित था, लेकिन फिर भी जो मशीन जो मिक्सर गाड़ी थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई और एक बुजुर्ग को 67 वर्ष के बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया, और जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो ट्रक चालक जो वो वाहन चालक था वो नशे की हालत में पूरी तरह से दूर था, और कल इस गाड़ी का काम भी नहीं हो रहा था, फिर भी वो गाड़ी जो है सड़क पर लगभग 50 से 60 की स्पीड में चल रही थी और ये हादसा हो गया। जी, उत्कर्ष, चूंकि इस घटना के बाद जो एसएचओ है दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर जायजा भी लिया, और जब वहां पहुंचे तब वहां पर मिक्सर मशीन को हटाया गया, तब जाकर जो बुजुर्ग का जो शव है वो बाहर निकाला जा सका। क्या किसी तरह के मुआवजे की बात परिवार वालों को राहत देने के लिए कुछ आश्वासन दिया गया कही गई है? जी बिल्कुल, बता दें आगे से आपको कि झाझा डीएसपी और जो सीओ थे वो भी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन जो लगभग 2.5 से 3 घंटे तक परिजनों ने पूरे आवागमन के मार्ग को बाधित करके रखा, और लगातार परिजनों का भी ये भी प्रयास था कि बॉडी को किसी प्रकार से जो दबी हुई थी उसको निकाला जाए, लेकिन 2.5 से 3 घंटे होने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद भी प्रशासन सबको निकालने में असफल रही। हालांकि परिजनों ने 2 से 3 घंटे जाम के बाद किसी तरह से जाम को हटाया, समझाने बुझाने के बाद, और अंततः जो गाड़ी थी उसे सीज कर लिया गया है और कंपनी पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है, जैसा कि हमारे पास अब तक अपडेट आया है। जी, चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। तो एक मिक्सर चालक जो कि लापरवाही का जो नतीजा है वो देखने को मिला है, कहीं ना कहीं शराब का जो नशे में इस तरीके की जो लापरवाही है वो देखने को मिली है, जिसके कारण एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि परिजनों में जो कोहराम मचा है उसे लेकर पटना जो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है और एसएचओ जो है उन्होंने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर पीड़ित परिजनों को से मुलाकात की और आश्वासन भी दिया है कि उचित कार्रवाई के साथ साथ उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा।